हेलो एंड गुड गाइस। दोस्तों आपको कि जैसा कि मोदी सरकार हमारी आ चुकी है और उस पर जो अब ये इन्होंने मोदी सरकार आने पर जो शपथ लेते हैं, तो इसका शपथ जो समारोह है उसके अंदर बहुत बड़ा अभी एक बवाल मच चुका है ये कि जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान है उनको न्योता नहीं दिया गया है, उसके पीछे पूरे पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। दोस्तों वो पूरी न्यूज क्या है, वो पूरी न्यूज आपको मैं दिखाने वाला हूं, तो शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में इमरान खान को न्योता नहीं, पाकिस्तान में मची खलबली। दोस्तों फिर न्यूज पढ़ा देता हूं जो न्यूज अभी सामने आ रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री शपथ की जो शपथ लेंगे, यानी कि पिछली बार इसी तरह इस बार भी मोदी के शपथ ग्रहण में कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष मेहमान बनकर आएंगे। पिछली बार जहां मोदी ने सार्क देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण में बुलाया था और इस बार विमस्टेक देशों को न्योता भेजा गया है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया, जबकि पिछली बार मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता भेजा था। यानी इस बार भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष मोदी की शपथ में तो आएंगे लेकिन इमरान खान नहीं आएंगे। तो यह पूरा प्रधानमंत्री इमरान खान ने बधाई देकर ये कोशिश तो की थी कि शपथ ग्रहण समारोह का बुलावा उसे भी मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नई सरकार का संदेश साफ है, गोली और बोली एक साथ नहीं, ऐसा कुछ भी कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, जो राष्ट्रपति जी हैं, जो राष्ट्रपति 30 मई को शाम 7 बजे प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट के दूसरे सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि जो पुलवामा अटैक के बाद जो परेशानियां हुई, दिक्कत हुई, उस कारण से क्या पता पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। इसके पीछे का पूरा कारण यही बताया जा रहा है कि वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान है इसलिए उन्हें नहीं बुलाया जा रहा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। इसके सबसे बड़े पीछे का कारण यही है और इस कारण से पाकिस्तान में थोड़ी खलबली मच चुकी है। दोस्तों तो ये थी आज की पूरी ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।